हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज लास्ट डे है नवरात्रि का और हम सुबह सुबह निकल गए रनिंग करने के लिए। स्टेडियम पहुँचते ही मुझे आज ही नीला तोता दिख जाता है। नीला तोता जल्दी आ गया था, इसलिए आते ही मुझको अपना ज्ञान दे रहा था कि जल्दी उठो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसी ज्ञान की बातों को इग्नोर करता हुआ मैं आ गया वॉर्म करने, और जल्दबाजी वॉर्म करते टाइम एक तो गलती होती ही होती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है जब आप जल्दबाजी में वो करते हो। यहाँ पे मेरा पैर मुड़ गया था हल्का सा। आज का वर्कआउट हमारा थोड़ा शॉर्ट था, इसलिए हम पहले ही रस्सा चढ़ लेते हैं क्योंकि बाद में रस्सा नहीं चढ़ा जाता, लेकिन इससे पहले भी नहीं चढ़ा जा रहा था। फिर मैं अपनी ट्रिक से चढ़ जाता हूँ रस्सा। कुछ दो तीन बार रस्सा चढ़ने के बाद हम आ जाते हैं पुलअप बार पे पुलअप करने। पुलअप पूरा करने के बाद मैं चला जाता हूँ मेरी 5 किलोमीटर की लॉन्ग रनिंग पे। रनिंग पूरी करने के बाद हम लगाते कुछ स्प्रिंट। वेट लॉस या फैट लॉस के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज स्प्रिंट मानी जाती है, इसलिए आप स्प्रिंट के 3-4 सेट लगाए अपने वर्कआउट में। आज का वर्कआउट पूरा करने के बाद जब मैं घर जा रहा था तो देखता हूँ यहाँ पे चल रही होती है स्ट्रेचिंग, रीस्ट्रेचिंग, कुछ अलग ही तरीके की स्ट्रेचिंग हो रही होती है, एक्टिव स्ट्रेचिंग। इतनी खतरनाक स्ट्रेचिंग देखने के बाद मैं आ जाता हूँ ग्राउंड की दूसरी ओर जहाँ चल रही होती है पनिशमेंट। और ये देखिए कैसी पनिशमेंट चल रही है यहाँ, एक तरीके का कोर वर्कआउट हो रहा है। आज का वर्कआउट थोड़ा कम था क्योंकि हमें जाना था मंदिर, आज लास्ट नवरात्रि, इसलिए हम भद्रकाली के मंदिर जा रहे थे मैं और मेरे कुछ दोस्त। खाना खाने के बाद और नहाने के बाद मैं वेट कर रहा था तोते का। तोता थोड़ा लेट चल रहा था अपने शेड्यूल से, हमें जल्दी जाना था मंदिर लेकिन तोता लेट आया। बाइक को साइड में पार्क करके हमने निकाल ली थी कार, क्योंकि जाने वाले जने ज़्यादा हो गए थे इसलिए कार पे जाना हमें ज़्यादा सही लगा। यहाँ से काली माता का मंदिर कोई 3-4 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम पैदल पैदल हो लिए क्योंकि आगे व्हीकल जाना सेफ नहीं था क्योंकि भीड़ बहुत थी। काली माँ के दर्शन करने के बाद और प्रसाद चढ़ाने के बाद हम आ गए मंदिर से बाहर, और यहाँ हम बात कर रहे थे कि मंदिर में कुछ चेंजेस करे उसके बारे में। अपनी छुपाई हुई चप्पलों को सेफली ढूंढने के बाद हम चले मेले की तरफ, और फिलहाल हम में से एक गायब हो चुका था। यहाँ हम इस तोते को ढूंढ रहे थे, तोता गोरिल्ला बना बैठा था, और देखिए कैसे पोज कर रही है, बच्चों को डराता हुआ। मेले की भीड़ को देख के मेरा तो सिर घूम गया क्योंकि हमें लेने थे झूले, और जिस तरीके से मेला भरा हुआ था हमें लगा नहीं था हमारा नंबर आएगा। काली माँ के दर्शन करने के बाद और अच्छे से मेला घूमने के बाद हम आ गए घर। शाम को मैं चला गया जिम के लिए अपना वर्कआउट करने।
आज की वर्कआउट में सिर्फ दो एक्सरसाइज थी, एक तो डेडलिफ्ट और एक बारबेल रो, दोनों ही मेन एक्सरसाइज है आपकी बैक के लिए। डेढ़ घंटा वर्कआउट करने के बाद मैं निकल गया घर की ओर। घर आने से पहले मैं चला गया था बाज़ार कुछ सामान लाने, इसलिए आने में लेट हो गए। इसलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। होप यू लाइक इट। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल।